मेरे रब की कसम, कोई यहां मौज करने नहीं आया, ना कोई कर सकता है। शराब पीने को मौज थोड़ा ही करते हैं, बदकारी करने को मौज थोड़ा ही कहते हैं, और माल मुल्क को मौज थोड़ा ही करते हैं, दिल की खुशी को मौज कहते हैं। और उस खुशी पे मेरे अल्लाह का कब्जा है। वो पैसे से नहीं आती, वो शराब से नहीं आती, वो औरत से नहीं आती, वो ओदों से नहीं आती। अलहका व अबका, खुशियां अल्लाह देता है, आंसू अल्लाह देता है। इस दिल को खुश करने का रास्ता ये नहीं है कि आजाद हो जाओ, ये नहीं है कि अल्लाह का इनकार कर दो। यहां उस जहान की खुशियों का रास्ता है, अल्लाह के सामने झुक जाओ कि इसका कायनात का पत्ते से लेकर हमारी पहाड़ तक खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह मेरे एक शायर की कब्र रोशन करे। अरबी भी अच्छी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। उर्दू तो अपनी जुबान है, अंग्रेजी भी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। फारसी की भी शुद्ध बुद्ध ली। मैंने ऐसा शायर नहीं देखा, ना उर्दू में, ना अरबी में, ना फारसी में। ये तो मेरी जुबान, अंग्रेजी तो वैसे ही पता नहीं की हो जाइए, उसमें तो शायरी है भी सही है। मेरे शायर का कहना है, हिच चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, हिच आहिन खंजरे तेरे नशुद, हिच हलवा ई नशुद उस्ताज का, ता गुलाम शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजे नशुद। मौलाना रूम और शम्स तबरेज पीर मुरीद कट्ठे हैं कूनिया में, तुर्की का शहर है कूनिया। इधर मुरीद साहब हैं, इधर पीर साहब हैं। मौलाना रूम पे फलसफा गालिब था। वो ये अशार क्या है, अलामा इकबाल फरमाते हैं, कोई चीज खुद ब खुद चीज नहीं बनती, पड़ा हुआ लोहा सदियां गुजर जाएं या करोड़ों गुजर जाएं साल, वो अपने आप खंजर नहीं बनता, सीखे बगैर कोई सीखा हुआ नहीं बनता। मौलवी रूम से मौलाना रूम बने जब शम्स तबरेज में के हाथों में हाथ दिया। तो इसकी एक कहानी है जिस पर उन्होंने ये रुबाई लिखी, ये उन्होंने नज़म लिखी। इन पर फलसफा गालिब था, मंतिक, तो वो तकब्बुर पैदा कर देता है ये इल्म। मस्जिद में दर्स हो रहा है और उन किताबों का ढेर लगा, साथ हाउस था। शम्स तबरेज देहाती हुलिये में आए, पाँव में जूता भी नहीं था, पगड़ सा बांधा हुआ, तो बड़े भूलपन में कहते हैं मौलाना रूम से, इंचीस्त किताबें पढ़ी थी, इंचीस्त ये क्या है। तो उन्होंने देखा जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा, ई आ अस के तू नमी दानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। वो एकदम आगे बढ़े, उन्हें पूरी किताबों को यूं धक्का दिया, तो जाके हौज में गिर गई। तो मौलाना रूम ने, ओ तेरा बेड़ा डूब जावे, ओ ना मुरादा, एक ही गीत, एक अड़ा कोई हूं कंप्यूटर पे बिचू मैं दूसरी बारी काट लवा, वो ये तूने क्या किया, मेरी सारी जिंदगी की जोहद बर्बाद कर दी। तो मुस्कुराए, पानी में उतरे और एक एक किताब खुश्क मिट्टी उड़ रही और बाहर निकालते गए, निकालते गए, निकालते, सारी खुश्क किताबें धूल उड़ रही सामने रख दी। मौलाना रूम अफसर पकड़ के बैठे, ई चीज ये क्या है। तो अब शम्स तबरेज बड़ी मासूमियत से बोले, अस्त के तू नमी दानी, ये वो है जो तू नहीं जानता, जो तू नहीं जानता। फिर फलसफा रह गया, मंतक भी रह गई, फिर मस्तवी मौलाना रूम वजूद में आई, जिसका इल्म आज भी बहते चश्मे पानी की तरह। मुझे अल्लाह को मानना है, मुझे अल्लाह को तस्लीम करना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे मेरे रब ने मौत देनी है, फिर मेरे सामने खड़े करना है। मैं उस दिन सुरखरू हो जाऊं, मैं उस दिन कामयाब हो जाऊं, वो मेरे सीधे हाथ में पेपर पकड़ा दे और मेरा नारा हो। अभी आप लोग नारे नहीं लगा रहे थे, ये खुशी का इजहार होता है। तो अम्मा मनूत या किताब हो बेयमीन ही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा, हो फयकूल हो, वो एक नारा लगाएगा, तो उसको कुरान ने लफ्ज बना दिया, हे ओ मुकरा किताबिया, वो किताब लेकर ना ओ हो, वो कहेंगे तुम क्यों है मर्द या औरत, वो कहेगा या कहेगी, मेरा पेपर देखो, पेपर देखो, पास हो गया, पास हो गई। अब वो जो पकड़े हुए हैं वो कहेंगे, कैसे होगी, तुम कैसे पास हो गए। तो वो आगे कहेगी या कहेगा, इन्नी वनंतो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मुझे हिसाब देना है,
मुझे हिसाब देना है, मेरे सर पर मेरे अल्लाह की नज़र है, वो मुझे देख रहा है, मैं तैयारी करता हूँ। जैसे आप जो तैयारी करते हैं बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, जो हमारी तरह खाली किताबें खोल के देखते हैं फिर वो गुजारे नाली पास हो जाते। तो ऊपर से जवाब आएगा अल्लाह का, फहुवा फी ईशत रज़िया फी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया, मुबारक मेरे बंदे को वो आइडियल होम आइडियल लाइफ। देखो बच्चों, दुनिया आइडियल होम भी नहीं आइडियल लाइफ भी नहीं, ये पेपर है, पेपर हो रहा है, मालदार का भी फकीर का भी बादशाह का भी औरत का भी मर्द का भी पेपर है, जो देने में कामयाब हो गया आइडियल लाइफ अब शुरू होगी। तुझे हो आइडियल लाइफ मुबारक हो, कहाँ? फी जन्नत आलिया, आलीशान जन्नत में, क्या उसमें? कुतूफ दानिया, फलों के खोशे झुके हुए पके हुए, क्या करें? कुलू खाओ, वश्रबु पियो हनिया, हनिया क्या है? खाओगे बीमारी को नहीं, पखाना कोई नहीं, पियोगे बीमारी कोई नहीं, पेशाब कोई नहीं, क्यों? बिमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, वो जो लाहौर में मुझे तुम राजी कर गए, मुझे राजी कर, आज उसका सिला है कि जाओ हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाओ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, दुख मर गए, गम मर गए, बेचैनियां मर गईं, शर्मिंदगियां मर गईं, हर दुख दर्द मेरा रब चुन देगा, चुन देगा। मेरे अजीजों, हम उस पेपर में से गुजर रहे हैं, उस अल्लाह को राजी करने का रास्ता, वो बायोलॉजी नहीं, वो बॉटनी नहीं, वो जूलॉजी नहीं, वो फिजिक्स नहीं, वो केमिस्ट्री नहीं, वो सोशियोलॉजी नहीं, वो साइंस नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं, एक रास्ता, एक जैसे अल्लाह एक रास्ता, एक अल्लाह एक रास्ता, एक वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सारी मेरी नस्ल मोहम्मद ही बन जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह चार हर्फ हैं, लफ्ज़ मोहम्मद भी चार हर्फ हैं, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़ मोहम्मद में भी कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़ अहमद में भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह मोहम्मद अहमद चार 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 मिलके 12 बनते हैं। जब मेरे रब ने कलमा जोड़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं, बैलेंस करके हमें कलमा दिया। और ये ऐलान है, ऐलान है कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो सैयद होने की ज़रूरत नहीं है, बादशाह कुरैशी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर अल्लाह तक पहुँचना है तो ग़ुलाम मोहम्मद बनने की ज़रूरत है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो मेरे अजीज़ो, अल्लाह आपको दुनिया का इल्म भी खूबसूरत दे, इतना दे कि आप बाहर की डिग्रियों के मोहताज ना रहो, आपको अमेरिका और फ्रांस और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री की मोहताजी ना रहे, तुम्हारी अपनी तुम्हारा अपना इल्म इतना ज़बरदस्त हो कि तुमसे सीखने लोग आए। यह तब होगा जब हमारे इदारे इल्म देने वाले बने और तुम लेने वाले बने, ना तुम लेने वाले हो ना ये देने वाले। मेरी नस्ल में सिर्फ डिग्री का शौक रह गया कि मुझे पेपर हाथ में आ जाए और मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए। मैं चाहता हूं तुम्हारे सीने इस इल्म के साथ इतने रोशन हों कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। जब फरिश्ते झुक गए तो दुनिया की ताकतें भी झुकेंगी। अब इल्म वाले बनो, सिर्फ डिग्री वाले ना बनो, इल्म वाले बनो, इल्म वाले बनो। وعلم آدم الأسماء كلها اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। हमारी शान इल्म में पोशीदा है, हमारी बड़ाई इल्म में पोशीदा है, लेकिन मेरा दर्द है, मेरा दुख है कि मेरी नस्ल को इल्म का शौक नहीं, सिर्फ डिग्री का शौक। जॉब मिल जाए, डिग्री मिल जाए, चाहे कुछ भी ना आता जाता हो, दरे मुस्तफ़ा पर झुकने के लिए कोई लंबे चौड़े काम नहीं है। चंद बातें बताता हूँ, इसी से सारा काम हो जाएगा। एक नमाज है जो मेरे रब ने 5 वक्त फ़र्ज की है, उसमें माफ़ी कोई नहीं है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह, किस अंदाज से आए कि पैदा हुए, पैदा होने की शान ये थी
कि खतना माँ के पेट से हुआ पड़ा था। पैदा होने की शान ये थी कि नाफ और आंत कटी हुई थी माँ के पेट से। पैदा होने की शान ये थी कि आप बाहर निकले तो खुशबू फैल गई, गंदगी कोई नहीं बाहर आई, खुशबू फैली, नूर फैला और महक गया पूरा कमरा। पैदा होने की शान ये थी कि जब माँ के पहलू में लिटाया तो आपने एकदम करवट बदली, उमा भी डर गई, दाई भी डर गई, शिफा बिनते असद, आपने उस सजदे में सर रखा, ऐसे फुल सजदा, घुटने उठा के हाथ रख के, यानी ऊंधे नहीं हुए, सजदे में गए, सजदे लंबा सजदा किया, लंबे सजदे के बाद यहां इस हाथ पे जोर और यूं छाती उठाई और इस हाथ को ऊपर करके उंगली ऐसे की तो नूर ही नूर चारों तरफ फैल गया और फिर आप गिरे और मासूम बच्चा आते ही सजदा लेकर आए, उम्मत को पैगाम दिया कि सजदे लाया हूं। वो जी पढ़ी नहीं जानती, वो जी मीटिंग थी, वो जी ये था, वो जी लेक्चर था, हाय हाय, करबला से बड़ी मुसीबत तो नहीं आती तुम पर जब वहां मेरे नबी के नवासे ने नहीं छोड़ी तो बाकियों के लिए छोड़ने की गुंजाइश मिटा दी है। और जब दुनिया से जा रहे थे और आपके आखिरी अल्फाज थे अस्सला वमा मलकत अईमानुकुम, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, और मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम करना, नमाज न छोड़ना, मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम करना,